वन विभाग ने वर्षों से लच्छीवाला रेंज में निवास कर रहे वन गुज्जरों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भेजा है, जिस नोटिस को लेकर वन गुज्जर लच्छीवाला रेंज पहुंचे और उन सभी ने रेंज अधिकारी से बात करके वहां से उनके घरों को ना तोड़ने की अपील की। वन गुज्जर रेशमा आलम ने बताया कि हम सभी 1910 से यहाँ पर रह रहे हैं, अब हमारी 5वीं पीढ़ी स्टार्ट हो गई है, लेकिन वन विभाग हमें बार बार नोटिस देता है और अतिक्रमण हटाने का बोलता है। हमने हाईकोर्ट में भी इसके लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हमारे हक में फैसला देते हुए कहा था कि हमारी दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वन गुज्जर आमिर हमजा ने कहा कि जितने भी लोगों को नोटिस दिया गया था वो सभी यहाँ मौजूद है। हमें यह डर है कि हमारा 120 साल पुराना आशियाना उजड़ जाएगा। शांतिपूर्वक तरीके से हमने इस नोटिस का जवाब दिया है और हमें उम्मीद है कि वन विभाग इसके बारे में विचार करेगा। हमें नोटिस दिया गया है और मतलब टाइम टू टाइम देते रहे हैं लोग कि मतलब हम लोग 1910 से यहाँ बस रहे हैं, हमारी 5वीं पीढ़ी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमें ये लोग बार बार मतलब इस चीज़ के लिए अवगत कराते रहते हैं कि हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं और हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए थे, जिससे कि हमको 2011 में हमारे हक में फैसला आया था कि हमारा पुनर्वास किया जाए और ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया था, ऑर्डर किया था, लेकिन उसके लिए भी इन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है और ये लोग अब फिर से हम लोगों को इस चीज़ के लिए परेशान कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं अतिक्रमण कर रहे हैं और उसके लिए जो है अपना अतिक्रमण हटाएं। तो बस हम अपनी वही अपनी मांगे लेके आए हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, हमारी 5वीं पीढ़ी यहाँ स्टार्ट हो गई है। रेंज कार्यालय में जो वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब के रूप में आज लोगों ने नोटिस का जवाब दिया, विशेषकर वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन ने, और जितने भी लोगों को नोटिस दिए गए थे वो सभी लोग आज एकत्रित हुए, बहुत सारी महिलाएं भी एकत्रित हुई और इनके अंदर एक भय बन चुका है कि अभी जो है हमारे जो 120 वर्ष पुराने जो आशियाने हैं वो उजड़ने की संभावना है। उसको लेकर हमने शांतिप्रिय तरीके से जो है जो नोटिस था उसका कानूनी रूप से जवाब दिया। बहुत सारे जो है शासन का आदेश है, माननीय उच्चतम न्यायालय के दो दिशा निर्देश है, उन सभी का रेफरेंस देते हुए हमने जो है इसका प्रत्युत्तर दिया है। वही इस पूरे मामले को लेकर रेंज अधिकारी धनानंद उनियाल ने बताया कि वन गुज्जरों के कुछ परिवारों को पट्टे आवंटित किए गए थे, लेकिन अब वन गुज्जर दिए गए पट्टों से बाहर के दायरे में भी निवास कर रहे हैं और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश व वन अधिनियम के तहत वन विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। रेंज अधिकारी ने वन गुज्जरों से अपील की है कि वो वन विभाग द्वारा दिए गए पट्टों पर ही निवास करें और अतिक्रमण हटा दें। गुज्जरों का मामला यह है कि जो भी वन गुज्जर आरक्षित वन भूमि में अतिक्रमण करके रह रहे हैं उनको वन भूमि से अतिक्रमण हटाना है। उन हमारा विशेष उद्देश्य जो है वन भूमि से अतिक्रमण को हटाना है और जो परमिटधारी गुज्जर हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी खाली जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, अतिक्रमित जो भूमि है उसको हमने अभी हटाना है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।